हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। अब आगे आता है पॉलिनोमियल में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिसको आपको याद करना है, आगे एक्सपेंशन में काम आएंगे, एक्सपेंड करने के लिए आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे आपसे जो एक्सरसाइज है उसमें एक्सपेंशन पूछा है। तो ये जो है आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब कि x प्लस वाई लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो जब उसको हम लोग खोलेंगे, x होल स्क्वायर उसका खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका स्क्वायर मिल रहा है, फिर 2 मल्टीप्लीकेशन में है और इनटू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट x इनटू वाई प्लस जो सेकंड एलिमेंट है उसका आपको स्क्वायर मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है मैं आपको ये थोड़ा समझा दूंगा। तो देखिए मैं इसको समझा रहा हूं कैसे आया। जैसे ये x प्लस वाई है का होल स्क्वायर है, मतलब कोई भी पावर लिखा हुआ है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर है तो उसको हम लोग दो टाइम लिखते हैं एक्स इंटू एक्स, ठीक है। उसी तरह से टू स्क्वायर है तो उसको हम लोग दो टाइम लिखते हैं टू इंटू टू और बाद में आपका फोर आ जाता है, वो अलग चीज है, ठीक है। इसी तरह अगर ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग दो टाइम्स लिखेंगे, मतलब किस तरह से लिखेंगे, होल स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई दो बार इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब दो बार लिख लिया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर दो बार लिख लिया। अब जैसे कि हमें नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है तो कैसे करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर सेकंड वाला इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स का फिर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, ठीक है। फिर ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन है इसका तो प्लस ही ले रहे हैं, फिर y इंटू एक्स करेंगे तो y इंटू एक्स, ठीक है। फिर y का y के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, y इंटू वाई वाई स्क्वायर बन जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए ये x स्क्वायर है, x इंटू वाई क्या होगा आपका, एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 इंटू थ्री करें या 3 इंटू 2 करें, बात आपका एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे y इंटू एक्स करें या x इंटू वाई, इसको मैं एक्स वाई लिख ले रहा हूँ, y इंटू एक्स को भी मैं x एक्स वाई लिख लिया, ठीक है। अब ये y स्क्वायर आपका y स्क्वायर ही रहेगा। अब ये देखिए एक्स वाई दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आपका क्या बन जाएगा, 2xy प्लस y स्क्वायर। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला बना कहां से, ये एक्सपेंड हुआ कैसे है, ठीक है। तो इस चीज को आपको डायरेक्टली याद रखना है। जैसे कि डायरेक्टली क्यों याद रखना है ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूं कि डायरेक्टली क्यों याद रखना है। जैसे कि आपसे आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मान लीजिए आपसे कहा जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर आप निकालिए। अब जैसे कि आपको ये फॉर्मूला आपको पहले से पता होगा तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है यहां देख रहे होंगे, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर करना है तो फर्स्ट एलिमेंट का आप स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। प्लस 2 इंटू एक्स, मतलब फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है एक्स, एक्स फर्स्ट एलिमेंट इंटू वाई क्या है, वाई देखिए यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट आपका क्या है, 2 है तो इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस जो सेकंड एलिमेंट होता है वाई, वाई का स्क्वायर करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ सेकेंड एलिमेंट आपका क्या है, 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, और ये x ऐसे ही लिख देंगे और 2 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 4 होता है। तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंशन हो गया है, ठीक है, फॉर्मूले से। अब मान लीजिए आप पहले x से लिखते हैं x प्लस टू, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा, बट ये इजिली है, इजी निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा, इसी फॉर्मूले से पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आपके जितने फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसी से एक्सपेंशन होगा आपका, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर माइनस टू, यहाँ माइनस कहां से है, जो ये अंदर माइनस है ये माइनस यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। माइनस का 2 फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन है और फिर जो सेकेंड एलिमेंट का उसका होल स्क्वायर है। अब ये थर्ड वाला देखिए, एक्स स्क्वायर है माइनस का वाई स्क्वायर है, ये किस तरह से बना हुआ है, एक्स माइनस ये वाला देखिए, एक बार इसको एक्स प्लस वाई लिया गया, एक बार एक्स माइनस वाई लिया गया, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं और कौन सा फॉर्मूला कहाँ पुट होगा ये देखना है,
ठीक है। अब ये देखिए जहां पे आपके तीन टर्म का स्क्वायर होगा वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। क्या है फॉर्मूला? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, ठीक है। अब जहां पे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब करना होगा वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई, और उसी के मल्टीप्लीकेशन में होगा आपका ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ठीक है। और जहां पे एक्स माइनस वाई का होल क्यूब करना होगा वहां पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहां भी माइनस आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स वाई, और इस ब्रैकेट के अंदर भी माइनस रहेगा एक्स माइनस वाई। तो ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करने हैं और आपका जो आगे एक्सपेंशन है उसमें इसका यूज कर। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, आइडेंटिटीज जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उसे रिलेटेड कुछ हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख रहे हैं। जो पहला एग्जांपल है आपका, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है और आइडेंटिटी लगा के ही फाइंड करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं फाइंड करेंगे, आपसे इसमें कहा गया है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब देखिए यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसको हम देखिए दो बार लिखा हुआ है, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री दोनों सेम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आपकी लग रही है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है ना। देख रहे होंगे आपको यहाँ वाई की जगह यहाँ पे आपका क्या है? थ्री है। तो यहाँ पे देखिए एक्स जो आपकी जो आइडेंटिटी है वो यहां मैं पहले लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सी आइडेंटिटी लगी है और कैसे आया है, ठीक है। तो यहां देखिए एक्स प्लस वाई वाली, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, मतलब यहां पे आपको लगाना है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एक्स की जगह तो आपका एक्स ही रहेगा मगर जहां जहां वाई है वहां आपका थ्री हो जाएगा। तो यहां देखिए एक्स एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर आप खोलिए तो पहले एक्स स्क्वायर आएगा प्लस टू इंटू एक्स, फिर इंटू क्या आएगा आपका वाई की जगह क्या आ जाएगा? थ्री आ जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर, वाई वाई की जगह यहाँ पे क्या है? थ्री है, मतलब थ्री का आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व कर लीजिए एक्स स्क्वायर टू इंटू थ्री क्या हो जाएगा? सिक्स, और ये एक्स आपका सिक्स एक्स प्लस का और प्लस थ्री थ्री जा नाइन, मतलब थ्री का स्क्वायर है और नाइन, ये आपका गिवन पॉलिनोमियल आ गया, मतलब प्रोडक्ट करने के बाद क्या पॉलिनोमियल आपको मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। अब ये अलग देखते हैं, जब नंबर्स आ जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें भी आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। अब आप दिमाग लगे इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है, पहले इन टर्म को इस तरह से अरेंज करिए कि ये आइडेंटिटी यूज करने के लायक हो जाए। जैसे कि अब यहां पे देखिए आप 105 को आप 100+5 लिख सकते हैं और यहां मल्टीप्लाई का साइन रहेगा और इसको लिख सकते हैं 100+6, यहां पे कोई साइन नहीं, मतलब ये मल्टीप्लाई का ही साइन इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और एक आइडेंटिटी आपको लिखी होगी, यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिटी नंबर आपकी 4 है, ठीक है। क्या है आइडेंटिटी? मैं यहां लिख दे रहा हूं एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी और लास्ट में आपका a इंटू बी, ठीक है। ये आपका लास्ट में a इंटू बी, a इंटू बी, ठीक है। ये आपकी जो आइडेंटिटी है ये आइडेंटिटी इसमें लगेगी, क्यों लगेगी? देखिए जो ये प्रोडक्ट है आपका इसमें x जो फर्स्ट टर्म है वो सेम है आपका, और हमने भी इसको इस तरह से अरेंज किया है कि फर्स्ट टर्म आपका सेम हो गया है, मगर देखिए इसमें जो सेकेंड टर्म है इसका ये एक का 5 है और एक का 6 है, ठीक है। तो इसमें यहाँ होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं, अगर मान लीजिए दोनों में 5 होता तो होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग जाती दोनों को एक जगह लिख के, मगर यहाँ होल स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों y वाले टर्म जो है दोनों में अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी जो आपकी बुक में दी हुई है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको आपको लिखना है, ठीक है। तो जो होता है एक्स जगह यहाँ पे क्या है आपका 100 है, तो जहां जहां x है वहां 100 कर दीजिए और a ये आपका x हो जाएगा, ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा, b आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो जहां जहां x है वहां हमें 100 रखना है, ठीक है, वो 100 रख दिया, और जहां a है उसकी वैल्यू क्या है आपकी 5 है, प्लस जहां पे b है उसकी वैल्यू क्या है आपकी 6 है, प्लस a की वैल्यू आपकी 5 है इंटू आपकी 6 है, ठीक है।
आप एक साइड में लिख भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू आपका 5 और b इज इक्वल टू 6, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आइडेंटिटी में कौन सी वैल्यू कहां पुट करनी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 का स्क्वायर करिए, 100 का स्क्वायर आपका क्या आएगा, 10,000 आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, प्लस 5 प्लस 6 क्या होगा आपका 11, 11 इंटू 100 1100 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 इंटू 6 30, आप इसको ऐड कर लीजिए, 0 3 1 1 0 3 1 1 1 11,130 आपका आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, 11,130 सही है। अब देखते हैं लास्ट वाला पार्ट जो आपका दिया है, इसको मैं आपका हो गया है पार्ट। अब ये जो लास्ट वाला है ये भी आपका सेम है, देख रहे होंगे, बस यहां पे आपको एक चेंज दिख रहा होगा, ये माइनस वाला चेंज। ठीक है, यहां पे एक्स आपका जो फर्स्ट टर्म है वो तो सेम है, मगर जो सेकंड टर्म है वो आपका सेम नहीं है, तो आप यहां पे फिर से आपकी वही प्रॉपर्टी लगेगी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। मगर आपको यहां थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, क्या कंफ्यूजन हो रही होगी, यहां पे जो प्रॉपर्टी है उसमें यहां पे बी वाले में प्लस है, मगर यहां बी वाले में माइनस है, तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही इसको जो आपको क्वेश्चन दिया उसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही आपको अरेंज भी करना है। तो जो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से दिया है इसको हम लोग दूसरे इसको चेंज कर लेंगे, किस तरह से चेंज कर लेंगे मैं नीचे लिख दे रहा हूं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म है इसको इसी तरह से लिखेंगे, मैं ये जो दूसरा वाला है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस और ब्रैकेट में माइनस का 10। ठीक है, अब देखिए आपको यहां से जो एक्स है एक्स की जगह तो आपको एक्स ही रखना है, ए की जगह मगर आपको 8 रखना है, और बी की जगह क्या रखना है आपको माइनस का 10 रखना है, ये बात आपको याद है, और ये सारी वैल्यूज किसमें रखनी है, इसमें जो ये आपकी प्रॉपर्टी है इसमें। ठीक है, अब रख लीजिए, जो आपका फर्स्ट टर्म है वो तो एक्स ही है तो उसकी जगह एक्स ही रहेगा, प्लस एक्स ए की जगह आपका क्या रहेगा 8 रहेगा, और बी की जगह आपका रहेगा माइनस का 10। ठीक है, यहां मैं प्लस यहां आपका है 8 प्लस और ब्रैकेट में माइनस का 10। ठीक है, और आखिरी में आपका 8 इंटू माइनस का 10, 8 इंटू माइनस का 10। अब इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहेगा, 8 और माइनस का 10, 8 माइनस का 10 आपको क्या आएगा 2 आएगा, वो भी माइनस का आएगा, क्योंकि जो वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन लेते हैं, यहाँ 10 बड़ी है, 10 में से हम 8 को माइनस कर रहे हैं तो आपका 2 आ रहा है, मगर साइन बड़ी वाली वैल्यू का लेते हैं जो ग्रेटर वैल्यू होती है, तो यहाँ 10 होता, अगर यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस होता तो सिर्फ 2 लेते हैं, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है 10 उसकी उसके आगे जो साइन होता है वही लेते हैं सॉल्यूशन के बाद, तो यहाँ आपका आया है माइनस का 2। ठीक है, माइनस 10 में से 8 को माइनस किया हमने, क्या मिला आपको माइनस का 2 मिला, एक्स इंटू माइनस का 2 प्लस 8 इंटू माइनस का 10 आपका क्या हो जाएगा माइनस का 80 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये हो जाएगा, इसको फिर से सॉल्व इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 80, ये आपका आ जाएगा गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है,